हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पार्कलिंग नेचर। आज मैं रिव्यू करने जा रही हूँ बेबी डव लोशन का। दिस इज़ रिच मॉइस्चर एंड इट जेंटली मॉइस्चराइजेस बेबी स्किन ऑल डे। ये इस टाइप की प्यारी सी बॉटल में आता है। देव मेंशन दैट दिस इज़ पीडियाट्रिकली अप्रूव्ड। दीज आर ऑल द डिटेल्स मेंशनड ऑन द बैक पैनल। दिस फॉर्मूला इज़ हाइपो एलर्जेनिक, पीएच न्यूट्रल, डर्मेटोलॉजिकली एंड पीडियाट्रिकली टेस्टेड। They have used no dyes, no parabens and no phthalates. The complete ingredient list is mentioned as well. अगर हम इसके ingredient list की बात करें, they have used water and glycerin. These are the good ingredients. They have used petrolatum. This is not a bad ingredient, but this is a cheap ingredient. Also, they have used dimethicone. This is a type of silicone. They've used phenoxyethanol as preservative. They've also used perfume. So friends, the ingredient list is very basic, nothing extraordinary, not the worst as well. This is an okay kind of ingredient list, and it retails for MRP rupees 350, and the shelf life of this product is 2 years. The net quantity you're getting in this bottle is 400 ml. The packaging is quite sturdy and there is no spillage in this bottle. I hope you can see the consistency of this lotion, and this is not quite thick and not too runny. After blending, you can see my hand is very moisturized and it leaves no greasy residue behind. So friends, अगर मैं बात करूँ मेरे बेबी के एक्सपीरियंस का इस प्रोडक्ट के साथ, तो वो काफ़ी अच्छा रहा। उसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इट गिव्स हिम वेरी ब्यूटिफुल एंड मॉइस्चराइज्ड स्किन। आई थिंक ये लोशन मोस्ट ऑफ द स्किन टाइप्स को सूट करेगा, एक्सेप्ट द वेरी वेरी सेंसिटिव स्किन बिकॉज इट हैज़ परफ्यूम। ऑल्सो दिस इज़ अ वेरी लाइट वेट मॉइस्चराइजर, सो अगर आपके बेबी की स्किन वेरी वेरी ड्राई है, एक्सट्रीमली ड्राई है, देन दिस माइट नॉट बी सफिशियंट फॉर हीज और हर स्किन। इट हैज़ अ वेरी माइल्ड सेंट टू इट। इट वर्क्स जस्ट फाइन फॉर माई बेबी स्किन। सो ये था मेरा रिव्यू इस प्रोडक्ट के बारे में। आई वॉन्ट टू रेट इट 4 out of 5। अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो, देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।